क्लासेस में डांस टीचर विजय कुमार मिश्रा उनके मतलब पीड़िता जो माइनर है उनके साथ गलत मतलब जो है कि अश्लील हरकत किया गया। क्लास के टीचर जो है वो है उनको विजय कुमार मिश्रा को अरेस्ट किया गया है। राजधानी में एक बार फिर सर्वसार करने वाली घटना सामने आई है। ताजा मामला कदम कुआं थाना क्षेत्र का है। राजेंद्र नगर रोड नंबर 2 में एक शिक्षक अपने ही नाबालिग जो बच्ची होती है उसको बैड टच करने का प्रयास किया गया है। यह पहली घटना उस बच्ची के साथ नहीं हुआ है। यह जो डांस टीचर है पहले भी ऐसी घटना को अंजाम दे चुका था, जिसके पश्चात जो नाबालिग बच्ची है उसके परिजनों को इसकी सूचना मिलती है, लेकिन बूझ समझ करके उसके परिजन इस बात को वहीं पर दबा देते हैं। लेकिन दूसरी बार जब इस घटना को उस डांस टीचर ने ऐसा प्रयास किया, प्रयत्न किया, छेड़खानी का आरोप लगाया गया था और छेड़खानी उस बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ उस डांस टीचर के द्वारा किया गया है, जिसके पश्चात नाबालिग बच्ची के परिजनों ने लिखित शिकायत कदम कुआं थाना को दिया है और कदम कुआं थाना प्रभारी ने इस लिखित शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उस डांस टीचर को गिरफ्तार किया है। और यहाँ पर कदम कुआं थाना प्रभारी क्या बयान दे रहे हैं जरा देखें। ये मामला जो है कि 3 जनवरी को एक लिखित पीड़िता द्वारा लिखित शिकायत किया गया थाना में कि राजेंद्र नगर रोड नंबर 2 स्थित डांस क्लासेस में डांस टीचर विजय कुमार मिश्रा द्वारा उनके मतलब पीड़िता जो माइनर है उनके साथ गलत मतलब जो है कि अश्लील हरकत किया गया, जिसके आलोक में जो है कि शिकायत माने पर मामला पुष्टि सही पाया गया। इसके आलोक में डांस क्लास के टीचर जो है वह हैं उनको विजय कुमार मिश्रा को अरेस्ट किया गया है और जो है विधिवत कार्रवाई की जा रही है, उन्हें कस्टडी में भेजा जा रहा है। पीड़िता ने क्या कुछ बताया, कब से वो डांस क्लास जा रही थी और क्या कुछ पूरा वाक्य उसने लिख के बताया? डांस क्लासेस के विषय में यही मतलब 3-4 महीना से वहाँ जा रही थी और जाने क्रम में उसके द्वारा जो डांस टीचर थे सिखाने क्रम में अकेला पाकर लड़की के साथ में जो है जो माइनर लड़की है जो सीखने जा रही थी उनके साथ जो है कि मतलब अश्लील हरकत किया अकेला पाकर मौका पाकर, यही सब शिकायत है। मामला को सही पाया गया है। लड़की ने पहले इसकी जानकारी परिजनों को दी? हाँ, परिजन को भी जानकारी दी थी, पहले बताया गया था, लेकिन जो परिजन ऐसा समझा गया कि नहीं डांस टीचर हैं, थोड़ा सा उनको एक्टिविटी होता है कुछ फिजिकल एक्टिविटी, लेकिन फिर से रिपीट शिकायत की तो ये बात सही पाया गया और हम लोग के पास भी शिकायत दिया तो हम इस कार्रवाई को सही पाते हुए उनको गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा जा रहा है। जाहिर सी बात है कि शिक्षा को शर्मसार करने वाली यह घटना सामने आई है, जहां की एक डांस टीचर ने अपने ही नाबालिग बच्ची के साथ अभद्र व्यवहार का प्रयत्न किया है। यह व्यवहार पहली बार नहीं हुआ है, उसके क्लास में कई लड़कियों के साथ किया गया, लेकिन इस बच्ची ने अपनी माँ बाप को बताया और उसके परिजनों ने लिखित शिकायत समय पर दे करके इस डांस टीचर को सलाखों के पीछे ढकेल दिया है। तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी घटनाओं से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, Facebook पेज को फॉलो कर लें, खबर पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें।